हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और यार अभी मैं और टिप्सन जा रहे हैं यार फ्रैंकलिन के घर पे, क्योंकि उसने कॉल करके हम दोनों को अपने घर पे बुलाया है। अरे रॉफिरो, लगता है आज फ्रैंकलिन हमें कोई पार्टी देने वाला है, इसलिए ही दोनों को बुलाया है एक साथ। हो तो सकता है टिप्सन, लेकिन अभी कुछ कन्फर्म नहीं बोल सकते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यार फ्रैंकलिन के घर पे, अभी वहीं जाके पता लगेगा कि फ्रैंकलिन ने हम दोनों को क्यों बुलाया है। फाइनली यार ये देखो, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रैंकलिन के घर पे, और यहां पे बाहर देखो फ्रैंकलिन की सुपर कार भी खड़ी है। चल भाई टिप्सन, अभी गाड़ी से नीचे तो उतर जा, क्या गाड़ी पे ही बैठा रहेगा? उतर रहा हूँ भाई रॉफिरो, ये देख अभी तो मैं उतर गया। ओ गाइस यार देखो फ्रैंकलिन की सुपर कार कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। चलो छोड़ो यार, इसको बाद में देख लेंगे। चल आजा भाई टिप्सन, अभी अंदर चलते हैं और चलकर पूछते हैं फ्रैंकलिन से आखिर क्यों बुलाया है उसने हम दोनों को। अरे हाँ, चल भाई चल रॉफिरो, आ रहा हूँ ना यार मैं भी तेरे साथ साथ। यार ये टिप्सन, ये फ्रैंकलिन आके रहे कहाँ पर यार, इधर किधर तो दिखाई भी नहीं दे रहा। देखो यार फ्रैंकलिन तो यहाँ पर खड़ा है। हेलो भाई फ्रैंकलिन, कैसा है? ये देख अभी मैं आ गया। अरे बस रॉफिरो, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तुम बताओ? फ्रैंकलिन मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और भाई जॉब क्या हाल है तेरे? अरे रॉफिरो भैया, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और भाई शिनचैन तू कैसा है? अरे रॉफिरो भैया, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। चलो भाई सभी लोग एकदम बढ़िया हैं। हाँ भाई फ्रैंकलिन, अभी बताओ यार तुमने मुझे कैसे बुलाया? अरे रॉफिरो, वो क्या है ना, अभी शिनचैन के स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है, तो इसने बोला फ्रैंकलिन भैया चलो गाँव घूमने चलते हैं। तो अभी हम लोग यार 3 दिन के लिए गाँव जाने वाले, और मैं चाहता हूँ यार 3 दिन तक तुम मेरे घर पे ही रुक जाओ, और इस घर का ध्यान भी रख लेना यार। अरे हाँ फ्रैंकलिन यार, कोई टेंशन नहीं है, मैं रुक जाऊंगा, तुम आराम से गाँव घूमियो। अरे वाह यार रॉफिरो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। चलो भाई चलो शिनचैन और चौप जल्दी से आ जाओ, अभी हम लोग गांव के लिए निकलते हैं। अरे वाह यार रॉफिरो भैया की वजह से हम लोग तो गांव जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। तो ये देखो यार, ये खड़ी मेरी सुपर कार, तो चलो अभी जल्दी से अपनी कार को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई शिनचैन चौप जल्दी से आकर बैठ जाओ कार के अंदर। हाँ फ्रैंकलिन भैया आ गया मैं तो। अरे चौप की बच्ची रुक जाए, पहले मैं बैठूंगा उसके बाद बैठना तू। फाइनली यार अभी सभी लोग बैठ चुके हैं, तो चलो यार अभी चलते हैं अपने गाँव के लिए। अरे यार रॉफिरो, क्या हम लोग सच में यहाँ पर 3 दिन के लिए रुकेंगे? हाँ यार टिप्सन, जब तक फ्रैंकलिन नहीं आता तब तक रुकना तो पड़ेगा। कोई बात नहीं यार रॉफिरो, ये फ्रैंकलिन का घर तो काफी ज्यादा बड़ा है, और देख यहाँ पर तो स्विमिंग पूल भी है यार, इसके अंदर नहाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है, नहा लूँ क्या इसके अंदर? नहीं नहीं टिप्सन यार, ऐसा मत करना यार, ये अपना घर थोड़े ना, ये तो फ्रैंकलिन का घर है। अबे मैं तो नहा रहा हूँ यार, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अरे वाह यार देखो कितना ठंडा ठंडा पानी है इसका तो। इस स्विमिंग पूल में नहा कर तो मजा ही आ गया, चलो अभी फटाफट से बाहर निकल जाता हूँ। अरे भाई रॉफिरो, तू भी जाकर नहा ले, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। नहीं नहीं भाई टिप्सन, मैं नहीं नहाऊंगा यार, मुझे तो काफी ज्यादा नींद आ रही है, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। चल अभी तू भी सो जा भाई। अरे नहीं यार रॉफिरो, अभी मुझे नहीं सोना यार, तू जाकर सो जा, मैं तो अभी मजे करूंगा इस बड़े से घर में। ठीक है भाई जैसी तेरी मर्जी, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, कोई तोड़ फोड़ मत कर देना यहाँ पर। चलो यार अभी चलकर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। और ये रहा अपने फ्रैंकलिन का बेडरूम यार, ये तो काफी ज्यादा शानदार है। यार अभी काफी ज्यादा नींद आ रही है, 1-2 घंटे सो लेता हूँ यार। अभी रॉफिरो तो सोने चला गया, चलो अभी मैं फ्रैंकलिन का घर घूम लेता हूँ, देखो कितना ज्यादा बड़ा घर है इसका तो। और अभी तो इस इतने बड़े घर के अंदर मैं पूरे 3 दिन रुकने वाला हूँ, बिल्कुल राजाओं वाली जिंदगी जीऊंगा यहाँ पर। मैं तो ऐसा लग्जरी हाउस अपनी जिंदगी में बिल्कुल पहली बार देख रहा हूँ। सच में यार फ्रैंकलिन का घर बहुत ज्यादा शानदार है। ये सीढ़ियाँ किस तरफ जा रही है, जरा ऊपर चल के देखता हूँ इधर क्या बना रखा है फ्रैंकलिन ने। देखो यार यहाँ पर एक गेट तो है, चलो इसको खोल के देखेंगे आखिर इसके अंदर क्या है। देखो यार दरवाजे पे लॉक भी नहीं है, लेकिन ये खुलने का नाम भी नहीं ले रहा, 1-2 लात मार के देखोगे इस पे। अबे ये क्या इतनी जोर से लात मारी फिर भी ये दरवाजा नहीं खुल रहा, इसके चारों तरफ तो बहुत ज्यादा जंग लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये दरवाजा कई सालों से नहीं खुला है। लात मारते मारते मेरे तो पैर ही दुख गए यार, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुल रहा, लेकिन इसके उधर आखिर हो कह सकता है। देखो यार यहाँ से देखने पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ बाहर की तरफ चल के देखता हूँ, उधर से पता लगेगा आखिर इस दरवाजे के पीछे है क्या। तो अभी मैं बाहर भी आ गया, लेकिन ये क्या चीज लग रखी है भाई, इसको तोड़ सकते है क्या? नहीं यार अभी लात मारू, नहीं यार अभी भी नहीं टूट रहा ये तो। मुझे तो लगता है इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ होगा, और मुझे तो ये कोई सीक्रेट डोर लग रहा है। मुझे लगता है इस डोर के बारे में फ्रैंकलिन को भी नहीं पता, और क्या पता इसे खोलने पर हमें बहुत सारा खजाना या फिर कोई कारवार मिल जाए। यार मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन मुझसे तो ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। अभी एक काम करता हूँ, इसके बारे में चलकर रॉफिरो को बताता हूँ, क्या पता वो इस दरवाजे को खोल दे। हाँ यार ये बिल्कुल सही रहेगा, चलो अभी जल्दी से चलकर रॉफिरो को बताता हूँ। रॉफिरो भाई जल्दी से यहाँ पर आया यार, जल्दी से आ, मेरे को एक बहुत ही शानदार चीज का पता लगा है यहाँ पर। अरे कहाँ पर सो रहा है यार ये रॉफिरो, देखो ये रहा। अरे रॉफिरो भाई जल्दी उठ यार, मुझे एक बहुत ही सीक्रेट चीज पता चल गई यहाँ पर। अरे देखो यार ये आलसी तो उठने का नाम नहीं ले रहा, अभी उठाता हूँ। अबे रॉफिरो उठ जा। अबे क्या हुआ टिप्सन यार, क्यों जगा रहा है, अभी तो सोया था मैं। अरे रॉफिरो मुझे इस फ्रैंकलिन के घर में एक सीक्रेट डोर का पता चला है। अरे सीक्रेट डोर, कौन से सीक्रेट डोर की बात कर रहा है तू टिप्सन? अरे यार रॉफिरो इतना हल्ला मत कर यार, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाता हूँ वो सीक्रेट डोर। और ना उस दरवाजे पे ना बहुत ज्यादा जंग भी लगी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि उसे कई सालों से खोला भी नहीं गया, और अगर हम लोग उसे खोल लेते हैं तो क्या पता हमें उसके पीछे खजाना मिल जाए। तो यार मुझे तो लगता है ये टिप्सन फ्रैंकलिन के घर पे आने के बाद बिल्कुल पागल हो गया। देखो तो सही कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहा है यार, सीक्रेट डोर वो भी फ्रैंकलिन के घर में, ये कहाँ से आ सकता है, कभी फ्रैंकलिन ने तो नहीं बताया मुझे। अरे रॉफिरो वो कहाँ से बताएगा, उसे भी इसके बारे में
नहीं पता होगा। चल अभी तो इधर आ, देख ये रहा वो दरवाजा। और इस दरवाजे पे कोई लॉक भी नहीं लगा, लेकिन मैंने इसे खोलने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन मुझसे तो ये नहीं खुला। क्या यार टिप्सन, ये तो एक नॉर्मल सा दरवाजा लग रहा है, इसको तो मैं चुटकियों में खोल दूंगा। चल तू अभी साइड हो, देख मैं तुझे अभी 2 मिनट में दरवाजा खोल के दिखाता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, चल ठीक है भाई मैं साइड हो गया, जरा खोल के दिखा तो इसे। हाँ यार अभी 2 मिनट में खोल दूंगा, इसे खोलना कौन सी बड़ी बात है। तो चलो यार अभी इसको खोलने का ट्राई करते। अभी इसको एक लात मारी, लेकिन ये क्या यार, ये तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है अभी थोड़ी जोर से लात मारनी पड़ेगी। अबे तेरी तो ये ले। नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो काफी दम लगा के इस पे लाते मारी, लेकिन ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा। भाई टिप्सन यार ये गेट है या क्या है? क्यों क्या हुआ रॉफिरो, तूने तो बोला था मैं इस गेट को 2 मिनट में खोल दूंगा, निकल गई तेरी हवा। नहीं नहीं मेरी कोई हवा हवा नहीं निकली है। रुक जा देख, मेरे पास अभी एक हथौड़ा पड़ा है, अभी देख उस हथौड़े से इस गेट को ही तोड़ डालूंगा मैं। अभी मैं भी देखता हूँ ये गेट कैसे नहीं खुलता। इतने हथौड़े मारूंगा ये बचेगा नहीं। एक मिनट यार, इतने हथौड़े मार दिए लेकिन इस गेट पे एक खरोच भी नहीं आई। अभी ना अपनी पूरी पावर लगा के हथौड़े मारता हूँ, आज तो कुछ भी हो जाए इस गेट को मैं खोल के ही रहूंगा। अरे लेकिन ये आखिर हो क्या रहा यार, मैं इतनी जोर जोर से इस गेट पे हथौड़े मार रहा हूँ और ये गेट है कि इस पे एक खरोच भी नहीं आ रही। एक बार लास्ट बार और मारता हूँ अपना पूरा दम लगा के। ये तेरी तो, अभी तो मैं नहीं छोड़ने वाला इसे। अरे यार ये यहाँ पे चल क्या रहा है यार, ये दरवाजा आखिर किस चीज का बना है, इतने सारे हथौड़े मार दिए और इस पे एक खरोच भी नहीं है। यार टिप्सन पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। क्या हुआ रॉफिरो, यार मैं बोल रहा हूँ ये कोई सीक्रेट डोर है, इसको खोलने का कुछ तो जुगाड़ लगा। एक मिनट यार टिप्सन, मेरे पास में ना एक गैस कटर पड़ा है, अभी मैं एक काम करता हूँ उसकी मदद से इस गेट को ही काट डालता हूँ। अब तो चाहे से कुछ भी हो जाए ये गेट नहीं बचने वाला। अभी देखो मैं इसको कैसे काट डालूंगा, आज तो पता लगा कर ही रहूंगा आखिर इस गेट के पीछे है क्या। लेकिन ये क्या यार, गैस कटर से भी इसके ऊपर एक भी स्क्रैच भी नहीं हुआ। अरे यार लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इस गैस कटर की मदद से तो मैंने मोटे से मोटा लोहा काट रखा है, फिर इसके सामने ये पतला सा गेट क्या है। लेकिन यार देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या हुआ रॉफिरो यार, कटा क्या ये वाला गेट? नहीं यार टिप्सन, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली लेकिन ये गेट को तो एक खरोच भी नहीं आ रही है। क्या करे यार रॉफिरो, मुझे तो नहीं लगता हम लोगों से ये गेट खुल पाएगा। अरे टिप्सन आज चाहे से कुछ भी हो जाए ये दरवाजा तो मैं खोल कर ही मानूंगा। ये देख मेरे पास में कुछ ग्रेनेड्स पड़े, चल अभी तो यहाँ से दूर हट जा, अभी मैं यहाँ पर ग्रेनेड्स फेंकूंगा। अबे रॉफिरो ग्रेनेड्स फेंकेगा तो कहीं फ्रैंकलिन का घर नहीं गिर जाए? अरे कुछ भी नहीं होगा यार टिप्सन, तू एक काम कर यार जल्दी से यहाँ से हट जा, अभी मैं यहाँ पर ग्रेनेड फेंकने वाला हूँ, आज तो इसको मैं ब्लास्ट करके ही रहूंगा। अभी देखता हूँ ये गेट कैसे बचेगा। तो हट जा भाई टिप्सन, यार अभी मैं यहाँ पर ग्रेनेड फेंकने वाला हूँ। अभी टिप्सन साइड हो चुका है, तो अभी देखो यार मैं यहाँ पर एक ग्रेनेड फेंकता हूँ। यार धमाका तो एकदम शानदार हुआ है, लगता है वो गेट अभी ब्लास्ट हो गया होगा। चलो अभी चलकर देखते हैं। तो ये देखो अभी मैं आ गया। अबे लेकिन ये क्या यार, ये गेट को तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन नीचे से गेट थोड़ा काला तो पड़ा है। लगता है एक ग्रेनेड से इसका कुछ नहीं होगा, 2-3 ग्रेनेड और फेंकने पड़ेंगे। चल भाई टिप्सन अभी तो छुप के रही हो यार, अभी देख मैं कैसे इसको ग्रेनेड से ब्लास्ट करता हूँ। अभी मैं जंप लगा के इधर आ गया और अभी मैं यहाँ से बिल्कुल अच्छा वाला निशाना लगा सकता हूँ वहाँ पर। तो अभी देखते जाओ मैं कैसे ग्रेनेड फेंकता हूँ। टिप्सन भाई तू वहाँ पर क्यों आ गया, हट जा वहाँ पे ग्रेनेड है। तो भाई टिप्सन सही टाइम पे कूद गया, चलो अभी एक और ग्रेनेड मारता हूँ। यार अब तो ये गेट खुल जाना चाहिए, मैंने वहाँ पर टोटल 3 ग्रेनेड फेंक दिए। चलो अभी चल के देखते हैं पास में आखिर ये गेट खुला है या फिर नहीं। पूरे 3 ग्रेनेड मारे हैं, अब तो खुल ही गया होगा, तो चलो अभी चलकर देखते हैं। लेकिन ये क्या यार, अभी भी ये गेट नहीं खुला यार, मैंने पूरे 3 ग्रेनेड मारे यहाँ पर। यार फिर मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग आज इसको खोल पाएंगे। अरे टिप्सन खोलेंगे, जरूर खोलेंगे। ये देख अभी मैंने अपना RPG निकाल लिया है, ग्रेनेड से तो ये दरवाजा बच गया लेकिन इस RPG से नहीं बच पाएगा। चलो अभी तू फटाफट से यहाँ से हट जा, अभी देख मैं कैसे RPG से इस दरवाजे को ब्लास्ट करता। की बार तो ये दरवाजा 101% खुल जाएगा, तू बस देखता जा टिप्सन। हाँ यार फिर एक बार खुल जाए तो हमारे मजे हो जाएंगे। देखो यार क्या शानदार धमाका हुआ, लेकिन यार अभी तो खुल गया क्या यार, मुझे नहीं लगता अभी भी खुला है यार ये। 2-3 तगड़े वाले शॉट और मारने पड़ेंगे लगता है। तो अभी देखो यार ये शॉट तो काफी तगड़ा था, लगता है ये दरवाजा खुल गया है। चल भाई टिप्सन अभी जल्दी से चलकर देखते हैं इसके पास में। अरे हाँ यार रॉफिरो जल्दी चल भाई, जल्दी चल, मुझे भी इस दरवाजे के खुलने का इंतजार है। हाँ हाँ चल टिप्सन जल्दी देखते हैं। अरे लेकिन ये क्या यार टिप्सन, ये तो अभी भी नहीं खुला यार। यार रॉफिरो अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया यार, हम लोग इसे नहीं खोल पाएंगे। नहीं नहीं टिप्सन यार, मैं ऐसे तो हार नहीं मानने वाला, मैंने ठान ली है कि मैं आज इस दरवाजे को खोल कर ही रहूंगा। तू ना यार एक काम कर, घर का ध्यान रख, मैं अभी 10 मिनट में आता हूँ। अरे लेकिन रॉफिरो तू जा कहाँ पर रहा है? अरे यार टिप्सन बोला ना 10 मिनट में आ रहा हूँ, तू घर का ध्यान रखना बस, मैं अभी यूं गया और यूं आया। तो चलो यार अभी मुझे फटाफट से अपनी KTM बाइक उठाकर चलना होगा डेंजरस विलन के अड्डे पे, क्योंकि उसके पास में ना यार मिलिट्री वालों का एक बहुत ही पावरफुल वाला टैंक है और उस टैंक की मदद से मैं शायद इस दरवाजे को खोल दूंगा, क्योंकि यार वो मिलिट्री टैंक ना सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। यार अभी मैं इधर आ चुका हूँ और डेंजरस विलन का अड्डा शायद इधर किधर आसपास में ही है। तो ये देखो यार अभी मिल गया मुझे और वो खड़ा भाई अपना डेंजरस विलन, देखो ये तो यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा है। तो अभी मैं अपनी बाइक को यहीं पर लगा देता हूँ, तो चलो अभी इससे बात करते हैं। भाई
फिरो तू और यहाँ पर, लेकिन आज तेरा यहाँ पर कैसे आना हुआ? अरे वो विलन यार, तेरा जो मिलिट्री टैंक है ना, मुझे 2 घंटे के लिए उधार चाहिए था, वो मुझे थोड़ा कोई काम है। अरे फिरो दे तो मैं दूंगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम 2 घंटे में मेरा मिलिट्री टैंक मुझे वापस लौटा दोगे? अरे भाई डेंजरस विलन, मैं अपनी जो KTM बाइक है वो तेरे पास ही छोड़ कर जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद आकर तेरा टैंक तुझे दे दूंगा और अपनी बाइक को यहाँ से ले जाऊंगा। अच्छा ऐसा है, तो फिर ठीक है यार, मेरा टैंक पीछे की तरफ खड़ा है, जाओ ले जाओ फिरो। ओके थैंक यू यार डेंजरस विलन। तो चलो यार अभी जल्दी से चलकर हम लोग वो टैंक को उठाते हैं, आज तो कुछ भी हो जाए उस दरवाजे को मैं तोड़ कर रहूंगा। तो अभी विलन ने बोला है कि टैंक पीछे की तरफ खड़ा है, तो चलो चलकर देखते हैं कि टैंक है कहाँ पर। तो ये देखो यार, ये रहा वो शानदार वाला मिलिट्री टैंक, तो अभी इसको अपने घर पे लेके चलते हैं। तो अभी मैं फटाफट से इसके अंदर बैठ जाता हूँ। तो यार देखो ये रही ड्राइवर वाली सीट। तो अभी फाइनली मैं इस टैंक को बाहर लेके आ चुका हूँ, तो अभी चलते हैं इसे लेकर अपने घर पर। और अभी ये देखो यार, फाइनली अभी मैं पहुँच चुका हूँ इस पावरफुल वाले टैंक को लेकर अपने घर पर। तो अभी जल्दी से मैं उतर जाता हूँ बाहर की तरफ, और अभी जल्दी से टिप्सन को बुलाकर दिखाता हूँ इस पावरफुल मिलिट्री टैंक को। इसे देखने के बाद वो तो एकदम शॉक हो जाएगा। टिप्सन एक बार जल्दी से बाहर आ। तो अरे क्या हुआ रॉफिरो, क्यों चिल्ला रहे? अरे रॉफिरो यार, ये इतना बड़ा मिलिट्री टैंक कहाँ से ले आया तू? अरे डेंजरस विलन से 2 घंटे के लिए टैंक उधार लेकर आया हूँ, अभी देख इस टैंक की मदद से कैसे तोड़ता हूँ उस दरवाजे को। चल अभी आ जा, तू भी बैठ जा फटाफट से टैंक के अंदर। अरे लेकिन रॉफिरो, कहीं इस टैंक की मदद से तू यार ये फ्रैंकलिन के घर को मत तोड़ देना। अरे यार टिप्सन, तू क्यों डर रहा है यार? मैं हूँ ना, तू फटाफट से टैंक के अंदर बैठ। अभी सबसे पहले हम लोगों को इस टैंक को पीछे की तरफ लेके चलना होगा। बैठ गया रॉफिरो में, तो चल अभी इसको पीछे ले चल फटाफट से। हाँ यार अभी इसको थोड़ा आगे से घुमा कर लेके चलना होगा पीछे की तरफ, और अभी देखना यार मैं कैसे तोड़ता हूँ इसकी मदद से दरवाजे को। तो अभी पीछे हम लोग आ चुके हैं, और वो रहा सामने की तरफ वो सीक्रेट डोर। तो चलो अभी इससे उस पे वार करते हैं। और अभी उस पर मैंने पूरे लगातार 3 शॉट मार दिए। लगता है यार अभी तो उसका कबाड़ा हो गया। चला जा टिप्सन यार, चलकर देखते हैं आखिर वो गेट खुला या फिर नहीं। अगर इस बार वो गेट नहीं खुला होगा ना, तो भाई मैं जेसीबी लाकर पूरे घर को ही तोड़ डालूंगा। तो ये क्या, देखो यार ये क्या हुआ? देखो यार यहाँ पर गेट खुल चुका है। टिप्सन भाई देख यार, गेट तो खुल गया। अरे भाई यार रॉफिरो मान गए यार, तू आखिरकार गेट खोल कर ही माना। चल अभी जल्दी से अंदर चल के देखते हैं आखिर इसके अंदर क्या है। हां यार टिप्सन, मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चला जा अभी हम दोनों एक साथ ही इसके अंदर चलते हैं, बहुत मजा आएगा इसके अंदर जाने में। तो ये देखो यार फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं, लेकिन ये क्या यार अंदर में इतनी बड़ी जगह है। अबे टिप्सन भाई जरा यहाँ पर देख यार, यहाँ पर तो नई की नई लिमोजिन कार खड़ी है, जो कि नई 5-10 करोड़ रुपए की आती है। बाहर से देखने में ऐसा नहीं लगा था कि अंदर हमको इतनी सारी चीजें मिल जाएगी। जरा सामने देख वो क्या चमक रहा है। ओ भाई ये देखो यार, यहाँ पर कितना सारा सोना पड़ा है। देखो लगभग यहाँ पर पूरे 30-40 करोड़ रुपए का सोना पड़ा है। अरे रॉफिरो मैंने तो तेरे को पहले ही बोला था, ये कोई सीक्रेट डोर है और इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा। यार टिप्सन तूने बिल्कुल सही बोला था, लेकिन हम लोगों को फ्रैंकलिन के आने से पहले ये सबको वाइस टाउन ट्रांसफर करना होगा। हाँ यार वो तो कर देंगे, लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा रॉफिरो, हम दोनों करोड़पति बन गए। गाइस यार मजा आ गया यार, हम लोग तो करोड़पति बन गए इस दरवाजे को तोड़ने के बाद। तो यार आई होप कि आपको आज के वीडियो में मजा भी काफी ज्यादा आया होगा, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लेना, ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस आपको मिले रोजाना देखने को। तो हम लोग मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।